नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले का कोफ्ता। तो कच्चा केला एक ऐसी सब्ज़ी है जो मैं कभी ख़रीदना नहीं पसंद करती हूँ। अगर मिल जाता है कहीं से तो मैं उसका कुछ भी बना लेती हूँ, जैसे कोफ्ता है, चिप्स है, सूखी सब्ज़ी। तो आज मैं कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। केले को उबाल लिया है और उबाल कर इसमें मैं मिला रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज और कुछ मसाले मैंने पीस लिए हैं, जैसे धनिया, जीरा, कुछ खड़े मसाले और प्याज, लहसुन, मिर्चा, वो उसका एक चम्मच डाल दिया है। और साथ में डाल रही हूँ बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और इन सब चीज़ों को एक अच्छा सा डो बना लेना है अच्छी तरह से मैश करके। तो जो मसाले मैंने पीसे वो मैंने वीडियो में पहले ही दिखा दिए हैं, उसमें प्याज, लहसुन, मिर्च और जीरा है, सौंफ है, थोड़ी सी अजवाइन ज़रूरी है केले की चीज़ों में, तो वो भी डाल दी है। और कुछ लौंग, इलायची और डाल दिया था मैंने धनिया की पत्ती। तो ये देखिए, इसके गोले बना लिए हैं, जो मैंने इसका जो डो लगाया था उसकी गोलियां बना ली हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद जो कढ़ाई में तेल था उसी में डाल दिया है तेज़पत्ता और प्याज और थोड़ा सा जीरा, और जो हमने ये पेस्ट बनाया था मसालों का उसमें हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मिला लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया है। तो उसको अच्छी तरह से भून लेंगे, मसाले जब तेल छोड़ने लगे तब डाल दिया है कसूरी मेथी और अच्छी तरह से इसे भी भून लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जो कि मसालों को ही धुल कर निकाला है, और दो गोलियां जो मैंने तली थी उसे फोड़ कर इन्हीं मसालों में अच्छी तरह से मैश करके एक बार और भून लिया है उन गोलियों के साथ। तो इससे क्या होगा कि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है ये मसाला। इसके बाद इसमें डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी और इसे उबलने देंगे अच्छी तरह से। और उससे पहले इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा, मैं इसी समय मिला रही हूँ, चाट मसाला। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो बस ढक के इसे उबलने देंगे। एक उबाल आ गया है अच्छा सा, अब इसमें मैं सारी गोलियाँ डाल दे रही हूँ। गोलियों को डालकर 5 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। और बस ये देखिए, हमारा कोफ्ता तैयार है और इसमें रस अंदर तक जा चुका है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और स्वाद में भी बहुत अच्छा है। तो लौकी के कोफ्ते आप बनाते ही होंगे, एक बार केले का भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए, इस तरह से तैयार है सब्ज़ी, चावल, रोटी और चावल के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।